हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स पैक टमी डॉट कॉम। आप देख रहे हैं सिक्स पैक टमी डॉट कॉम और मैं हूं आपका दोस्त अनुज त्यागी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक फ्रूट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो बॉडी बिल्डिंग से एकदम हटकर है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जो यूट्यूब चैनल है सिक्स पैक टमी डॉट कॉम, यहाँ पर हम लोग सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मसल्स किस तरह से बनेंगे इस बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। लेकिन यहाँ हम लोग जनरल हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी आपको गाइड करने के लिए आए हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक चूज करा है पपाया। आज हम जानेंगे पपाया के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, एंड दिस ऑल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स विल बी टोल्ड टू यू विद द हेल्प ऑफ स्टडीज। सो स्टे ट्यून्ड। गाइज, एम रियली श्योर पपाया एक ऐसे फ्रूट है जो आपने आज से पहले खाया तो ज़रूर होगा, और आप में से काफ़ी लोगों को ये पसंद होगा इसलिए वो इसे रोज़ भी खाते होंगे। लेकिन मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी स्टडीज़ लेकर आया हूँ कि आपको आज के बाद पपाया खाने में एक अलग टेस्ट आएगा। तो गाइज, स्टडीज़ के बेसिस पे जो इसके एडवांटेजेस होते हैं उसके ऊपर हम आएंगे बाद में। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मल पपाया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइज, विटामिंस की जहाँ तक बात करें, इसमें होते हैं विटामिन ए, बी, सी, और इसमें पोटेशियम भी होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर ऑल्सो। एंड इसमें लगभग आप अगर बात करें, आप अगर 100 ग्राम के आसपास या 100 से 150 ग्राम के आसपास अगर पपाया खाते हैं तो अराउंड आपको मिलती है 60-70 कैलोरीज, और ये सारी की सारी कैलोरीज आती हैं आपके कार्बोहाइड्रेट से। गाइस, विटामिंस का जैसे मैंने बताया कि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी इसमें इतनी क्वांटिटी में होता है कि आप अगर रोज़ पपाया खाते हैं, 100 ग्राम पपाया भी आप अगर रोज़ खा लेते हैं, तो आपको विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी की पूरे दिन की, वो सिर्फ पपाया से पूरी हो जाती है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि स्टडीज़ के बेसिस पे इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब आपके सामने जो आप दो स्क्रीनशॉट देखेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा, आप ये स्क्रीनशॉट बड़ा करके उन लिंक के थ्रू देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से हैविंग पपाया डेली इज़ बेनिफिशियल फॉर कैंसर पेशेंट, इट हेल्प्स देम टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज़ कह रही हैं, और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके सामने कोई क्लेम करता है, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अ बैकिंग विद इट। तो मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ कि इट हेल्प्स पीपल टू फाइट कैंसर, देन इट इज़ बैक्ड बाय दी स्टडीज विच हैव बीन कंडक्टेड। और आप इनका, जैसे मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक छोड़ दूंगा, आप उसमें भी इसको चेक कर सकते हैं। गाइस, इसके अलावा एक स्टडी और हुई है पपाया को लेके, आप जो अपने सामने अब स्टडी देख रहे हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं कि एल्डरली लोगों को जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर भी अगर उनको रोज़ सप्लीमेंट किया गया पपाया से, तो दे शोड बेटर रिजल्ट्स, उनके जो डिजीज़ था उसमें रिकवर करने में उनको हेल्प हुई। ये भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में आप स्टडी का पूरा एब्स्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं अपने सामने। अब गाइस, हम आते हैं पपाया के ऊपर जो नेक्स्ट स्टडी हुई है। आप अपने सामने जो अब स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये दो स्टडीज़ हैं, इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं कि हार्ट पेशेंट्स के ऊपर जो स्टडी हुई है पपाया के रिगार्डिंग, उसमें पाया गया है कि पपाया इम्प्रूव योर HDL टू LDL रेशो, यानी कि HDL और LDL जो हम लोग कॉमनली गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो आपका अगर HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इट इज़ लो एज कम्पेयर टू LDL, और आप अगर डेली पपाया खाते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर HDL टू LDL रेशो। और गाइस, अब मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग फैनेटिक्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए पपाया को यूज़ करना चाहते हैं। गाइस, कुछ लोगों को क्या होता है, प्रोटीन शेक जब वो लेते हैं उनको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। पपाया के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पपाइन, और अगर आप अपने प्रोटीन शेक में पपाया ऐड करते हैं, देन इट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर प्रोटीन मच बेटर। ट्रस्ट मी गाइस, मैं खुद इवन आई यूज़ पपाया इन माई वे प्रोटीन शेक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप दूध में प्रोटीन मत पीजिए, इनफैक्ट प्रोटीन के अंदर कुछ भी मत डालिए तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा। गाइस, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। मैं, अगर आपको इसके ऊपर डाउट है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी कराया है कि आपका जो वे प्रोटीन है वो मिल्क में डालने से वेस्ट नहीं होता है, इनफैक्ट इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो अगर आपने वो चेक नहीं कराया, आप वो देख सकते हैं, इट हैज़ बीन प्रूवन इन स्टडीज़ ऑल्सो। मैंने वो पूरा उसमें पूरा एक्सप्लेन करा है, आप प्लीज़ वो चेक करिए। और अगर आपको डाइजेशन में इशू होता है, आपको अगर वे प्रोटीन ठीक से हजम नहीं होता है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मिक्स इट विद, यू कैन ब्लेंड इट विद
पपाया। अब गाइज एक और एडवांटेज जो पपाया का होता है, जिसके लिए हमारे इंडिया में स्पेशली पपाया रोज़ खाते हैं लोग, वो है कि इट रिलीव्स योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स इसके ऊपर भी स्टडी हुई, जिसका आप अपने सामने स्क्रीनशॉट अब देख रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि इस स्टडी में भी ये पाया गया कि पपाया के एडवांटेजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों ने पपाया कंज्यूम करा फॉर मोर देन अ मंथ, उनका जीआई ट्रैक जो है वो एकदम स्मूथ हो गया, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल गया। और आपको भी अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन है, और आप अगर डेली अपनी डाइट में पपाया इंक्लूड करेंगे, इट विल हैव इट्स ओन बेनिफिट। सो गाइस ये थे कुछ एडवांटेजेस पपाया के बारे में। फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में ना हम लोगों ने बिल्कुल भी, मतलब वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट कि हाई प्रोटीन, प्रोटीन चिकन एग्स वे प्रोटीन, यार हम लोगों ने इसके चक्कर में एक बैलेंस डाइट छोड़ दी है, हम लोगों ने बिल्कुल वेजिटेबल फूड्स खाने छोड़ दिए हैं। तो मैं एटलीस्ट अपने पार्ट पे ना आपको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी वेजिटेबल एंड फ्रूट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन सब फायदे को जानने के बाद इन सब को अपनी डाइट का एक पार्ट बनाएं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक पपाया के बारे में। आई एम रियली होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जहां हम स्टडीज़ के बेसिस पे आपको ये बताएंगे कि किस फ्रूट के, किस वेजिटेबल के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इसके अलावा आपके जो बॉडी बिल्डिंग और न्यूट्रिशन के टॉपिक हैं, वो भी साथ साथ कवर होते रहेंगे। फ्रेंड्स आपने अगर मुझे फेसबुक में ज्वाइन नहीं कराया, प्लीज़ ज्वाइन माई ग्रुप। मेरा ग्रुप है एक फेसबुक के ऊपर, आई हेल्प पीपल फॉर फ्री इन दैट ग्रुप। उस ग्रुप का नाम है sixpacktummy.com, पेज नेम है, ग्रुप की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपने मुझे फेसबुक पे अभी तक ऐड नहीं कराया, प्लीज़ डू ऐड मी ऑन फेसबुक एज वेल। मेरा नाम है अनुज त्यागी, आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर फ्रॉम अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, आई एम अ थेरेपेटिक स्पेशलिस्ट ऑल्सो, फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशलिस्ट ऑल्सो, एंड अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो गाइज इट्स अनुज सेइंग गुड बाय।